तो हेलो फ्रेंड्स, अभी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो है एक डीसी मोटर के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि जो मेरे हाथ में ये डीसी मोटर है, ये 6 वोल्ट की मोटर है और अभी हम इसको एसी सप्लाई से चलाने वाले हैं। तो दोस्तों, एसी सप्लाई से चलाने के लिए इस पर हम पहले पंखा लगा देते हैं आगे, तो जिससे आप पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में घूमता है। तो दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि जो एसी सप्लाई है उसका वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहा है। तो अभी अपन इसको चलाने वाले हैं और सेफ्टी से चलाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये, तो आप देख सकते हैं कि ये एसी सप्लाई पर थोड़ा सा आगे चलती है और थोड़ा सा पीछे चलती है। इसके चलने की वजह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसे जाने की वजह देनी है तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो नए बंदे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो भैया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया इस मोटर ने कि ये मोटर एसी वोल्टेज पर नहीं चल रही? तो इसी बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी देखते हैं कि जो एसी वेव्स होती हैं वो नेगेटिव होती हैं और पॉजिटिव होती हैं, दोनों वेव्स होती हैं उसमें, जो एक बार ऊपर जाती है और एक बार नीचे आती है। जब वो मोटर आगे चल रही थी, एसी वोल्टेज की बात करूँ कि मोटर आगे चलती है फिर थोड़ी सी पीछे चलती है, मतलब एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला और एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो आगे चली पीछे चली। और उसके बाद मैंने अभी आगे वीडियो देखना, तो मैंने इसमें एक डायोड लगा दी जिससे इसको एक ही डायरेक्शन मिल गई। अब ये एक ही डायरेक्शन में घूमने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इसको घर के एसी वोल्टेज से चलाओगे तब तो मोटर का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ एक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप इस मोटर को सिर्फ एक 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के ऑपरेटर से चलाओगे, जो एसी ऑपरेटर होता है, तो मोटर का कोई लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात बता रहा हूँ कि प्लीज़ कमेंट कर दें कि अगली वीडियो किस चीज़ पर बनानी है, ताकि मैं उसको बनाकर तैयार कर लूँ और आप वो वीडियो देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी पता चल गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक ठोक कर जरूर जाना और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस देखते रहें। सोल्डर के 12 वोल्ट पर बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि 12 वोल्ट सोल्डर बनाओ, तो वो भी बन चुका है। वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक है, तो यहाँ पर क्लिक करें और देख लें सोल्डरिंग की ये वीडियो और नाइक्रोम भी।